हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो इस दौर में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आमतौर से पाई जाती है, मतलब में एक बड़ा परसेंटेज होता है इस तरह के केसेस का आने का। होमोजते मैदा, हुरकते मैदा, सोजिश मैदा, पेट की जलन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न, इस तरह से कई नामों से जाना जाता है इस प्रॉब्लम को। एक कॉमन सी शिकायत होती है कि पेट में जलन होती है सब। किसी किसी को रिफ्लेक्स भी पाया जाता है, मुंह से पानी आता है और पेट में जलन एक कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता, डकारें आती हैं, पेट फूलता है, कब्ज होता है। हर पेशेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के साथ इन प्रॉब्लम्स में से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। ज़्यादातर तो ये आज की जो लाइफस्टाइल है, जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, उसकी वजह से होती हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खाने पीने हैं जिनके इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम हो जाती है या बढ़ जाती है। यही प्रॉब्लम जब और आगे ज़्यादा चल जाती है, तसलसल रहता है इसका, मुसलसल ये कंटिन्यूटी रहती है इस प्रॉब्लम की, तो इस प्रॉब्लम के अंदर एक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो इस केस को उस वक्त एच पाइलोरी पॉजिटिव केस का नाम दिया जाता है। हालांकि 85% एच पाइलोरी पॉजिटिव केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो इसका मतलब यह होता है कि एच पाइलोरी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये दूसरी जो कैफियत हैं उनकी वजह में पैदा होने वाला एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है। लेकिन चूंकि एक नजरिया जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का है उसको भुला दिया जाता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। अक्सर एक सवाल मेरे पास आता है कि ये यूनानी नज़रिया क्या होता है। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि यूनानी को जानने के लिए, यूनानी में प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आप यूनानी की नज़र से देखें यूनानी नज़रिए को। तो वो नज़रिया क्या है, ये एक सवाल उठता है अक्सर। तो वैसे तो मेरे तकरीबन हर वीडियो में कहीं ना कहीं यूनानी नज़रिए की बात होती रही है, लेकिन उसको पहचानना समझना होता है। आज इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि यूनानी नज़रिया बीमारियों के बारे में, अलामात के बारे में, कैफियत के बारे में क्या है। तो ये एसिडिटी या पेट में जलन होती क्यों है? हाइपर सीक्रेशन ऑफ एसिड होने लगा, गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन ज़्यादा होने लगा, ठीक है, इसकी वजह से हो रही है। लेकिन आखिर ये हाइपर सीक्रेशन ऑफ एसिड्स क्यों होने लगा, इसकी भी तो कोई वजह होगी। तो क्यों ना हम उस वजह को जानें जो बुनियादी वजह है, जो जो इस बीमारी की जड़ है, रूट कॉज को क्यों नहीं जानें हम। तो देखिए, आइए हम देखते हैं इसका रूट कॉज को पहचानने की कोशिश करते हैं, फिर हम ट्रीट करेंगे इस केस को। हाइपर एसिडिटी या सोजिश मैदा या हुरकत मैदा या पेट की जलन तब पैदा होती है जब मैदे में हरारत बढ़ जाती है। मैदे का अपनी जो हरारत है उससे ज़्यादा हरारत हो जाती है, सूए मिजाज हार मैदा हो जाता है, यानी कि मैदे का मिजाज बिगड़ जाता है और हरारत की तरफ मुंतकिल हो जाता है। तो ऐसी कैफियत में दो कंडीशंस होती हैं। एक तो यह होता है कि फसाद हजम होता है, जहाँ पर कि खाना सही हजम नहीं होता और मैदे में बहुत देर तक ठहरा रहता है, जिसकी वजह से ये जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं ये उस खाने के साथ मिक्स करके उसको सड़ा देते हैं, उसमें फसाद पैदा कर देते हैं। और उस कैफियत में कुव्वत दाफिया और कुव्वत हाजमा कमज़ोर हो जाती हैं। कुव्वत हाजमा कमज़ोर हो जाती है तो वो उसको हजम नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक जूसेस, हम जो भी नाम दें उसको, हम बहुत माइनूटली बहुत सारे तरह से उसको तफरीक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल हम ये कहेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो रुतुबात मैदी हैं,
उनके साथ मिल करके हजम में फसाद पैदा हो जाता है। दूसरा, उसका जो कुव्वत दाफिया है वो कमज़ोर हो जाती है हरारत की वजह से और वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाती है, तो मैदे में बहुत देर तक खाना ठहरा रहता है और ये कैफियत पैदा हो जाती है और फिर खाने में पेट में जलन होने लगती है। दूसरी कैफियत में यह होता है कि मैदे में जो रुतुबात मैदी है उनका मुतरशह बढ़ जाता है, यानी कि सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी हालत में पेट में जलन होने लगती है। दोनों कंडीशंस में पेट में जलन होती है, लेकिन इसमें हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि अगर जलन खाली पेट ज़्यादा लगती है तो इसका मतलब यह है कि पेट में रुतुबात मैदी ज़्यादा है, एसिड्स का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है और खाना खाने के बाद उसको आराम आ जाता है। और अगर खाना खाने के बाद पेट में जलन बढ़ती है तो इसका मतलब फसाद हजम है वहाँ पर, पे कुव्वत हजम और कुव्वत दाफ़िया कमज़ोर हो गई है। अब यही केस बहुत दिनों तक रहे और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाए तो यहाँ पर एक जरासीम पैदा हो जाता है। बहुत सारे जरासीम हो जाते हैं वैसे, लेकिन हम फिलहाल एक जरासीम की बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन और मशहूर हो गया है और जिसको आमतौर से ये माना जाता है कि इसका इरेडिकेशन बहुत मुश्किल काम है। एच पायलोरी, ये वहाँ पे ग्रो कर जाता है और प्रोलिफरेट करता है, नशोनुमा पाता है। अब एक सवाल और आता है कि आखिर ये बैक्टीरिया वहाँ क्यों पैदा हुआ। तो एक नज़रिए को और पहचानिए, एक नज़रिए को और जानिए। दुनिया में किसी भी जानदार को पैदा होने के लिए और जीने के लिए, यानी कि नशोनुमा पाने के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, ज़रूरी है कि एक मीडियम हो और एक माहौल हो। यानी कि जब एक मीडियम, ख़ास मीडियम जो होता है, तब कोई भी जानदार पैदा होता है और उसका एटमॉस्फेयर और माहौल उसके मुआफिक होता है तो वो ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है, नशोनुमा पाता है। तो यहाँ पर जब हरारत मैदा बढ़ी और ये रुतुबात जो हैं, गर्म मिजाज की रुतुबात यहाँ पर इकट्ठा होने लगी और कंटिन्यूस यहीं पर रहने लगी, तो इस माहौल में एक जरासीम पैदा हुआ, एच पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, और यहाँ फलने फूलने लगा और उसने स्टोमक की लाइनिंग्स में अपना घर बना लिया। चूँकि इस बैक्टीरिया को पैदा होने के लिए भी गर्म माहौल की ज़रूरत है, रुतुबात की ज़रूरत है, देखने की बात है कि रुतुबात हों लेकिन गर्म मिजाज की हों, वो ज़रूरी हैं उसको पैदा होने के लिए भी और रहने के लिए भी, जिंदा रहने के लिए भी, बढ़ने के लिए भी। तो उसके बाद ये खुद भी वहाँ के माहौल को इस तरह की चीज़ें सीक्रेट करता है जिनका मिजाज गर्म है, उन रुतुबात का मिजाज गर्म है, नाम आप उन रुतुबात को कुछ भी दे दीजिए, और उस माहौल को ये गर्म बनाए रखता है। तो इस तरह से एक विशियस साइकिल, बैड साइकिल, बैड सर्किल शुरू हो जाता है कि मैदे में हरारत पैदा हुई इसलिए हाइपर एसिडिटी हुई, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड्स हुआ, और हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड्स हुआ तो ये बैक्टीरिया पैदा हुआ। अब ये बैक्टीरिया पैदा हुआ तो और हाइपर सिक्रेशन हुआ, और हाइपर सिक्रेशन हुआ तो ये बैक्टीरिया पैदा, इस तरह से एक सर्किल चलती रहती है। तो ज़रूरी होता है कि हम उस माहौल को, उस मीडियम को ख़त्म करें जिस माहौल में ये बैक्टीरिया पैदा हुआ और पनप रहा है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रूट कॉज है, जो बुनियादी सबब है, वो हरारत मैदा है और रुतुबात मैदी हैं। तो फिर क्यों ना हम ऐसी दवाएं दें जो मैदे की हरारत को नॉर्मलाइज करे, एतदाल पे ले आए, उसकी बढ़ी हुई हरारत को कम करे और जो रुतुबात मैदे में है उनको खुश्क कर दे। जब मैदे का मिजाज नॉर्मल हो जाएगा, मैदे में उतनी हरारत जितनी रहेगी जितनी चाहिए और रुतुबात भी उतनी रहेंगी जितनी चाहिए, तो ये बैक्टीरिया खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। चूँकि हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं है, हम एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते हैं किसी भी बीमारी में, हमारे पास जो तरीक़ा इलाज है, जो यूनानी का नज़रिया है, वो यही है कि किसी भी जरासीम को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस माहौल में, जिस मीडियम में वो पनप रहा है, उस माहौल को ख़त्म कर दें, चाहे वो माहौल गर्म हो या ठंडा हो, जैसा भी हो। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि खाने पीने से
या ज़्यादा टेंशन से या किसी भी और वजह से मैदे में हरारत पैदा होती है, मैदे में गर्म रुतुबात पैदा होती हैं और फिर बदहजमी होती है। तो ये जब बदहजमी क्रॉनिक हो जाती, क्रॉनिक डिस्पेप्सिया बन जाती है या बदहजमी मुजमिन हो जाती है, तब ऐसे हालात में ये बैक्टीरिया पैदा होता है। और फिर इस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी बुनियादी वजह का इलाज करें। हम सिर्फ बैक्टीरिया को मारने का अगर इलाज करेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन अगर कैफियत यानी कि गर्म रुतुबात और मैदे में हरारत वहीं रही तो ये बैक्टीरिया फिर से आ जाएगा। यही वजह है कि अक्सर प्रॉब्लम्स का रिकरेंस होता है। तो ज़रूरी होता है कि हम बुनियाद जो बीमारी की है, जो जड़ बीमारी की है, उसका इलाज करें, उसको अपरूट करें, उसको उखाड़ कर फेंक दें। तो अब इसके अगर इलाज की हम बात करें तो ये होता है कि हमारा इलाज पे जिद के तौर पे अगर हम इलाज करते हैं इसका, तो जाहिर सी बात है मैदे में हरारत है तो हमें कोई ना कोई दवा जो पारित मिजाज की है वो इस्तेमाल करनी होगी। मैदे में रुतूबत भी है तो जाहिर सी बात है हमें कोई खुश्क मिजाज की दवा इस्तेमाल करनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सर्द व खुश्क मिजाज की दवा इस्तेमाल करनी होगी ताकि सर्दी भी आए और खुश्की भी आए। ऐसे में एक जवारिश अनारैन अच्छी दवा है, और अगर हम मफरद तौर पे बात करें तो इसमें काकड़ा सिंगी है या पोस्त पिस्ता है, पोस्त अनार है, इस तरह की चीज़ें अपना अच्छा रिजल्ट रखती हैं। लेकिन चूंकि ये बीमारी जब पुरानी हो जाती है तो मैदे में थोड़ा बहुत फर्म आ जाता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्म आ जाता है, या कहें कि हम थोड़े से इरोजन्स हो जाते हैं, छिल जाता है, तो फिर अगर पेट को दबाने से दर्द होता है या मरीज वैसे भी पेट में दर्द बताता है तो हमें थोड़ा सा अपना उसूल इलाज बदलना होता है। फिर हम उसके बाद पेट पर एक जिमाद लगाते हैं, लेप लगाते हैं वहाँ पर खुश्की और बुरुदत पैदा करने के लिए, जिसमें कि हम रसौत, नाखूना, बाबूना, खैर शंबर और जौ, इस तरह की चीज़ें पीस करके और पेट पे लेप लगाते हैं, जिससे कि बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो माजून दबी दल वर्द भी देते हैं। इसके अलावा भी चूंकि पर्सन टू पर्सन मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट होता है, हर मरीज की एज अलग होती है, उसके सिम्टम्स अलग होते हैं और उसका मिजाज अलग होता है, इस वजह से हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन तकरीबन हर पेशेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस के साथ बनता है। एक ही दवा सब मरीजों में काम करेगी ऐसा नहीं होता है। लिहाजा जवारिश अनारैन को हम कह सकते हैं कि हम आमतौर से यूज़ कर सकते हैं, और शरबत अनार भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर गैस ज़्यादा बनता है तो जवारिश कम होनी भी कभी कभी साथ में दी जा सकती है। ज़ौफ़ मैदा, ज़ौफ़ जिगर ज़्यादा है तो दवा मिस्क भी साथ में दी जा सकती है। बहरहाल बहुत एक लंबी वो लिस्ट है मेडिसिन की, जिसमें से हर पेशेंट के लिए अलग अलग हिसाब से सेलेक्ट करनी होती है। तो फाइनली हम ये और कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी बीमारी का इलाज बुनियादी तरीके से करते हैं, उसूल के हिसाब से करते हैं, तो बीमारी का इलाज बिल्कुल मुमकिन होता है। यहाँ पर हम सिर्फ हमूजत मैदा, हुरकत मैदा या एच पायलोरी की भी बात कर रहे हैं, तो इस एच पायलोरी को अलग से एक बीमारी मान लेना और सिर्फ बैक्टीरिया के नाम से इसको जानना और तशखीस करके इसका इलाज करना, ये मुनासिब नहीं है। हमें ये देखना होगा कि ये बैक्टीरिया आखिर क्यों पैदा हुआ और क्यों सस्टेन कर रहा है, क्यों वहाँ पर बना हुआ है। तो अगर हम इस वजह का इलाज करते हैं तो बैक्टीरिया खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि हम बहुत सारे केसेस में, कभी कभी इस तरह के केसेस में भी मुनज़िस और मुसिल का सहारा लेना पड़ता है, कभी कभी कह करानी पड़ती है। हाँ, मैं एक बात और बताता चलूँ कि इस तरह के मैदे की शिकायत में, इस तरह के बदहजमी की जो होती हैं शिकायत, इसमें कह या उल्टी, वॉमिटिंग बहुत ही अच्छा रिजल्ट रखती हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रखती हैं। इसलिए अगर डियर यूनानी फिजिशियंस, एक बात मैं शेयर करूँगा, दो बातें जो अक्सर आमतौर से फिजिशियंस भूल जाते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, समझा है। एक तो पेशेंट को उल्टी करवाना,
उल्टी कराने के लिए तुख्म सोया या तुख्म तुर मूली के बीज या गर्म पानी कैसे उल्टी कराई जा सकती है, 1 गिलास भर के नमक डाल करके उसके साथ 1 गिलास गर्म पानी जो कि पिया जा सके गुनगुना, उसमें 1 चम्मच करीब 5 ग्राम 10 ग्राम भी हो सकता है नमक डालकर घोल करके और जल्दी से नाक पे हाथ लगा करके पी जाएं, और उसके बाद खुद उल्टी हो जाती है नहीं तो उंगली डाल करके उल्टी कर दें, मुँह में उंगली डाल करके उल्टी कर दें। इस उल्टी करने से आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि मरीज को बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो एक मैदा ओवरबर्डन हो रहा था रुतुबात से वो खाली हो जाता है और कुव्वते मुदब्बिरा को तबीयत को काम करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बेसिकली हम तबीयत की मदद ही तो कर रहे होते हैं इलाज करने में, लेकिन जब उसके बस की नहीं रहती, जब मसला बड़ा हो जाता है तो हमें दवाओं की ज़रूरत पड़ती है उसकी मदद करने के लिए, तो फिर कुव्वत अपने आप सामने आकर काम करने लगती है। तो एक नुक्ता तो ये था कि कै के बारे में अक्सर अतिबा भूल जाते हैं, ऐसे केसेस को अगर आप आते ही कन्विंस करें पेशेंट को कि देखिए आपको मुकम्मल आराम चाहिए पूरा फ़ायदा चाहिए तो कै करना ज़रूरी है। तय करने के लिए ज़रूरी है कि आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, आंखें बंद की जाए, नीचे झुक कर किया जाए, वो एक उसूल होता है वो आप जानते हैं, उस उसूल से उनको तय करवाइए। दूसरा एक चीज़ और अक्सर भूल जाई जाती है, वो है एनेमा या हुक्ना या बस्ती। ये बहुत सारी डिजीज, यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम्स में भी अगर आप एनेमा करवाते हैं, मैं उन हार्ट प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे हार्ट में कोई एनाटॉमिकली कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है, लेकिन शुरुआती दौर में जबकि बहुत ही शुरुआती है, हार्ट बीट बढ़ती है, टेकिकार्डिया होता है या इस तरह की कोई कंडीशन पैदा होती है या और भी दूसरी सिस्टम्स की कोई प्रॉब्लम होती है, तो ख़ास तौर से मैदे की बात अगर हम कर लें फिलहाल तो ज़्यादा मुनासिब है, आप एनेमा करवाते हैं तो वहाँ जो एक रेक्टम के कुव्वते दाफिया कमज़ोर हो जाने की वजह से मादा वहाँ जो रुका रहता है, ऐसा होता है कि आप जो खाते हैं वहाँ जमा हो जाता है और उसके बाद जो ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है दूसरे से खाते हैं तो वो जाकर रुक जाता है, आगे का निकल जाता है, फिर पीछे का रुक जाता है, तो इस तरह से एक कब्ज़ की कैफियत पैदा हो जाती है और वो जो चीज़ है जो ज़्यादा देर तक रुकी रहती है वो रीअब्ज़ॉर्ब होता है उसमें से कुछ मादा, वो मादा बहुत परेशानी का बायस बनता है। आप यूँ भी समझ सकते हैं, मैं शायद बात बहुत लंबी हो गई हो जाएगी, ज़रूरी होता है कि हम हर चीज़ को बेसिक तरीके से समझें इसलिए बात लंबी हो जाती है, लेकिन हमारा बॉडी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ये और दूसरे यूरिनरी सिस्टम भी है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें फिलहाल हम, तो ये एक ड्रेनेज का सिस्टम है। इस जिस तरह से कि हमारे घर में किचन में एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, एक सिंक होता है, एक पाइपलाइन होती है, लेकिन हर जगह आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो ड्रेनेज सिस्टम में एक चैम्बर होता है, तो उसमें यह होता है कि पतला जो पानी होता है लिक्विड जो होता है वो ऊपर से बह के निकल जाता है, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं नीचे जमा हो जाते हैं और उसको फिर कभी भी महीने 2 महीने साल 6 महीने में उसको खोल करके चैम्बर को साफ कर लिया जाता है और रुकावट पैदा होती है जब ऐसा किया जाता है, उसके बाद फिर काम चालू हो जाता है। इसी तरह से हमारे बॉडी में भी ये एक चैम्बर है, रेक्टम को आप एक चैम्बर का नाम दे सकते हैं, वहां जाकर के और ये मादा रुकता है और फिर वो रुकने लगता है तो ऊपर की तरफ ये प्रेशर पड़ता है और फिर उसमें रिफ्लेक्स भी होने लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। हम एच पायलोरी के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, समझ के लिए ज़रूरी है कि एच पायलोरी की ग्रोथ बुढ़ापे में खुद ब खुद रुक जाती है, यानी कि बूढ़े लोगों में एच पायलोरी पैदा नहीं होता, पैदा होता है तो सस्टेन नहीं कर पाता, वहाँ नहीं पाया जाता। इसके लिए मॉडर्न साइंस कहती है कि स्टोमक बिकम्स इनहॉस्पिटेबल फॉर बैक्टीरिया ड्यू टू एट्रोफी ऑफ स्टोमक। सीधी सी बात है कि स्टोमक की एट्रोफी हो जाती है, वहाँ पे खुश्की आ जाती है, इस वजह से वो जरासीम वहाँ पैदा नहीं हो पाता। हम भी यही कहते हैं कि बुढ़ापे में मिजाज सर्द व खुश्क हो जाता है, तो कंपेरेटिवली निस्बतन तो वहाँ पर जो सर्दी गालिब आ जाती है मैदे में कंपेरेटिवली, और जो रुतुबात की कमी हो जाती है उसकी वजह से वो बैक्टीरिया वहाँ ग्रो नहीं कर पाता, सस्टेन नहीं कर पाता। तो इससे ये भी साबित होता है कि बुढ़ापे में मिजाज सर्द व खुश्क हो जाता है, सिर्फ नज़रिए का इख्तिलाफ है, बात वही है। हम कहते हैं कि जरासीम इसलिए नहीं पैदा हो रहा कि वो मिजाज सर्द व खुश्क हो गया है, वहाँ कहा जा रहा है कि एट्रोफी हो गई है, एट्रोफी इसीलिए हुई कि सर्दी व खुश्की आ गई है, सुकड़ गया है। कोई भी चीज़
हरारत से और रुतुबात से नशोनुमा पाती है, बढ़ती है, और जब उसमें सर्दी खुश्की होने लगती है तो वो घटने लगती है, सिकुड़ने लगती है, छोटी होने लगती है। तो इससे ये साबित हुआ कि बुढ़ापे का मिजाज सर्द व खुश्क हो जाता है।